देखिए अब चलनी बोले छलनी से तुझमें हजार छेद, यहां का बच्चा बंचा जानता है कि रामगढ़ और गोमिया और सिल्ली में क्या खेल होता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नगर निगम का चुनाव लड़ सकते तो इस न्याय की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आएंगे? सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रही है। और चुनाव आप लोगों के लिए कितना प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है? रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता का प्रतिष्ठा का विषय कि जो हकमारी उनसे की गई है उसके खिलाफ उनका प्रतिवाद होगा। परसों यहां पर पुनः मतदान होगा। यह मतदान सामान्य मतदान नहीं होगा। इस राज्य में राज्य के 2019 के बाद ये पांचवा उपचुनाव है। दो उपचुनाव जो मधुपुर और बेरमो का हुआ था वहां हमारे वरिष्ठ नेता मरहूम हाजी साहब और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के असमय जो निधन हुई थी उसके बाद दुमका उपचुनाव भी चुके माननीय मुख्यमंत्री दो जगह से चुनाव जीते थे तो दुमका को उन्होंने इस वादे के साथ छोड़ा था कि दुमका का जो सर्वांगीण विकास होगा वो उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर। लेकिन मांडर और रामगढ़ का, ये दो जो मांडर का हो चुका और रामगढ़ का होने वाला है, हम सब जानते हैं कि ये दो उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है। पहली बार इस देश में किसी जनांदोलन का नेतृत्व करते हुए उसको दोषी करार दिया गया और जिस पुलिस ने गोली चलाई और हमारे दो साथी शहीद हुए उनके साथ भी इंसाफ नहीं। रघुवर सरकार ने, आप लोग जानते होंगे कि अपने 5 साल के शासनकाल में चाहे वो बड़कागांव का गोलीकांड हो, गोला गोलीकांड हो, मुरू गोलीकांड हो, कई फेक एनकाउंटर, कई मॉब लिंचिंग, इस प्रकार से लोगों को तबाह करने का काम किया गया था जिसके शिकार ममता देवी भी हुई। आप सब विगत 15 दिनों से देख रहे हैं चुनाव के माहौल को, बहुत नजदीकी से भांप रहे हैं। आप बताएं कि हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी है जो एनडीए आजसू और भाजपा, इन 15 दिनों में अपने 15 वर्षों का कोई हिसाब किताब दिया क्या? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 जनसभाएं की, कल रामगढ़ में उसका अंत हुआ, उन्होंने 5ों जनसभा में रामगढ़ के चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग सहायता हो,
ये जो बुनियादी चीजें हुई है इस्लामगढ़, उस पर बात। तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, लेकिन विगत 15 वर्षों का एक भी लेखा जोखा लेकर ना आंसू सामने आ पाई, ना भारतीय जनता सामने आ पाई, क्योंकि आंसू और भारतीय जनता पार्टी को हकीकत पता है और हकीकत है कि आंसू ने जिस प्रकार का आतंक राज मचा रखा था। मेरा जन्म भी यहां से 7 किलोमीटर दूर ही हुआ, पढ़ाई इसी रामगढ़ कैंट में हुआ, हमने भी रामगढ़ को बहुत नजदीक से देखा है। इसके पहले 3 चुनाव में क्या आतंक रहता था यहां पर, सभी लाइन होटल आंसू के झंडे लगे गाड़ियों से पटे हुए होते थे। ये हकीकत उनको एहसास हुआ कि हम अपने आतंक के बल पर जो 15 साल राज किए उसका अब नाश हो गया। और मैं तो कई लोगों से पिछले 5 दिनों से मिल रहे हैं और सबने कहा कि आप लोगों ने हम लोगों को मुक्ति दिलाई। 4 से 25 पे आ गए, 3 साल में अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए, और ये तो आंसू को तो मैं एक संगठित जो बार्गेनिंग ग्रुप होता है उसका एक स्वरूप मानता हूं। आप लोगों को याद होगा सुदेश जी विपक्ष में बैठते थे और चंद्रप्रकाश जी मंत्री बनकर बैठे थे, उस समय 2 ही विधायक थे। तो 1.5 लाख यदि सपना कोई देखता है तो बुरी बात नहीं है, हर आदमी को हक है सपना देखने का। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नगर निगम का चुनाव लड़ सकते तो इस न्याय की लड़ाई में माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आएंगे? देखिए अब चलनी बोले छलनी से तुझमें हजार छेद, यहां का बच्चा वंचा जानता है कि रामगढ़ और गोमिया और सिल्ली में क्या खेल होता है। सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रही है। और चुनाव आप लोगों के लिए कितना प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है? रामगढ़ की प्रबुद्ध जनता का प्रतिष्ठा का विषय कि जो हकमारी उनसे की गई है उसके खिलाफ उनका प्रतिवाद होगा। मेरे नन्हे कदम, A Blaze School is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bijolia, Ramgarh, Kent.